वंदे 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 वंदे। देश की आजादी के 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरिनगर पंचायत स्थित हरिनगर गांव में गोविंद झा समाज सेवी ने 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर समाज सेवी गोविंद झा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र गीत गाया। इसके बाद सभी को मिठाई वितरण किया गया। उल्लेखनीय है कि यहां लगातार कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गोविंद झा ने देशवासियों से एकता बनाए रखने की अपील की है। इस दौरान कुशेश्वर स्थान के ऋषि बाबा गांव के कई गणमान्य सहित पूरे गांव के छोटे छोटे नन्हे बच्चे भी मौजूद रहे। दरअसल देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और इसके एक साल के बाद यानी कि 15 अगस्त 1948 को आज़ादी की पहली सालगिरह मनाई गई। 1948 से 2024 तक देखा जाए तो इस साल भारत आज़ादी के 77वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन भारत को आज़ाद हुए 78 साल पूरे हो चुके हैं। इस साल भारत 78वां आज़ादी का जश्न मना रहा है। उस तिरंगे के नीचे खड़ा होकर दूसरा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में यह वैसी जगह है जहां आने के बाद आन बान शान गरिमा की अनुभूति होने लगी है। आज हमारा राष्ट्र 78वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र स्वतंत्र दिवस मना रहा है। इस स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को बाबा कुशेश्वरनाथ जी के पावन धरा हरिनगर गस्ती से ढेर सारी शुभकामनाएं अभिनंदन वंदन। आज हमारे देश में 78वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। इस संतोष स्वतंत्र दिवस के पावन अवसर पर देश हित में अपना सर्वस्व निछावर कर देने वाले वीर शहीदों को मैं अपने ही क्या पूरे राष्ट्र की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पण करता हूं। आज के दिन हम अपनी सभी पुरानी स्मृतियों को याद करते हैं और राष्ट्र के नाम यह संदेश देते हैं कि यह राष्ट्र हमारा है, हम सब एक हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सकता। आज के दिन सुबह से ही सारा आकाश शहीद वीर जवानों भारत माता की जयकारों से गूंजने लगती है। वास्तव में यह पर्व हमारे लिए राष्ट्र त्योहार का पर्व है। इस दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारी जान भली ही चली जाए पर वतन की आन और तिरंगे की शान को हम गूंजने नहीं देंगे। बहुत दुख के साथ सुनना पड़ रहा है कि स्वतंत्रता तो हमको मिल गई परंतु कुछ चंद अंग्रेज अभी भी हमारे भारत माता की सीमा को छल्ली करने में लगे हुए हैं। और एक दुखद घटना आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे, बांग्लादेश की घटना, काश्मीर की घटना इत्यादि विभिन्न प्रांतों में जो घटना हो रही है, हमारे सनातन धर्मांधियों को और हमारे भारत माता के साथ यह बहुत ही निंदनीय है। इसका हम समस्त धर्मवासी घोर निंदा करते हैं। इस घटना को देखते हुए हम लोगों को श्रीमद् भागवत हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ श्रीमद् भागवत से एक स्तुति को या ध्यान करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि ग्लानि होती है अभिमानी राक्षस बन जाते हैं। जब जब धर्म की गलानी होती है और अधर्म की वृद्धि होने लगती है तब तक मैं सब का सूचन करता हूँ अर्थात अर्पित लेता हूँ साथी सचिन की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हम लोग युग युग में अर्पित लेता हूँ, ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा है। और गीता का एक श्लोक आप जानते होंगे,
पर जिद सभी सुधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अजमाई। हम लोगों को, हम समस्त सनातन धर्मावलियों को अपने गीता में बतलाए हुए धर्म का पालन करना चाहिए। पर हित सभी सुधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संग नहीं अजमाई। हम लोगों को सम तम यम नियम आदि उत्तम धर्मों का पालन करके अपने भूले हुए सनातन भाइयों को सही मार्ग दिखलाना चाहिए, जिससे सब धर्म पर आरूढ़ हो और देश सुखी हो जाए। जिस देश में अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म अर्ज लिए और जिनके मुखारविंद से निकले हुए गीता जैसी सच्ची धर्म ग्रंथ हो, उस देश की प्रजा अशांत और दुख का भोग करे, यह बहुत ही लज्जा की बात है। गीता में बतलाए हुए धर्म का पालन करने से हम स्वयं सुखी होकर पूरे राष्ट्र को सुखी बना सकते हैं। समस्त गीता की बात के दूर रही, केवल 16वें अध्याय दैवी संपदा रूप धर्म का पालन करने और आसुरी संपदा रूप अधर्म का त्याग करने से ही हम स्वयं सुखी होकर पूरे राष्ट्र को सुखी बना सकते हैं। आप उपस्थित सभी महानुभावों से निवेदन है, आज आजादी का अमृत उत्सव है, एक बार हमारे साथ संकल्प लीजिए। सभी आदमी बोलिए, हमें बोलो, हर ऐसी आंधियों को मोल देना होगा। हम संकल्प लेते हैं, हमें हर ऐसी आंधियों को मोल देना होगा जो भारत जल से दिए को बुझाकर भारत माता के आंगन में अंधेरा ग्रहण करना चाहता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।